हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज हम ग्रो करने वाले हैं लोटस को। फर्स्ट मेथड होता है सीड से ग्रो करते हैं, सेकंड मेथड होता है उसको राइजोम से ग्रो करना, रूट स्टॉक से ग्रो करना। और दोनों ही मेथड में आपको 100% सक्सेस मिलती है अगर सही टेम्परेचर में ग्रो किया जाए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों स्पेशल ये है कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नर्सरी वाले लार्ज क्वांटिटी में इसको ग्रो करते हैं और एक बड़ा सा टब लेके आते हैं। पूरा आप डिटेल में देखना वीडियो के अंदर। और उसमें से कुछ लोटस की रूट्स मैं भी लेके आया हूँ और उसको मैंने ग्रो करा है, थोड़ी देर में आप वो भी देखेंगे। लोटस को फर्टिलाइज़र कैसे देना है वो भी मैं आपको सिखाऊँगा, किस जगह रखना है, मछलियाँ कितनी ऐड करनी है, कौन सी मछली सर्वाइव करेगी, सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्सरी पर लोटस ग्रो करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है और घर पर हम जो ग्रो करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दोस्तों स्मॉल पॉट में ग्रो किया जा रहा है क्योंकि एट द एंड सारे प्लांट सेल करने होते हैं और हमें अपने घर पर बड़े टब में ग्रो करना पड़ता है क्योंकि हम उसको एट द एंड परमानेंट प्लांट बनाएंगे और हमेशा के लिए उनको ग्रो करके रखेंगे। लोटस ग्रो करने के लिए एक बड़ा सा ग्रो बैग लिया गया है बट उसके अंदर वाटर बिल्कुल भी स्टे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा सा प्लास्टिक यूज़ किया जाएगा जिससे हमारा वाटर स्टे रहे। अब ये ग्रो बैग दोस्तों मिट्टी भरने के लिए बनाया गया है तो यहाँ पर वाटर बिल्कुल भी स्टे नहीं होगा, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर स्टिक्स का यूज़ करेंगे और इसको टाई अप कर देंगे जिससे इसका एक स्ट्रक्चर हमेशा बना रहे। ग्रो बैग को फिक्स करने के लिए यहाँ पर एक वायर का यूज़ कर रहे हैं और इसके एज पार्ट पर ही हम यहाँ पर होल करके इसको इस स्टिक के साथ टाई अप कर देंगे। काम करते समय चाय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चाय किस किस को पसंद है। हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, अब यहाँ पर हम प्लास्टिक लगाते हैं और सेट कर लेते हैं हमारे लोटस प्लांट के लिए एक पॉन्ड को। हमें यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा था क्वांटिटी में, तो यहाँ पर इसको कट करके हमें इसका हाफ पार्ट ही यूज़ करना होगा। अब प्लास्टिक को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर स्टिक के साथ हम उसको टाई अप कर देंगे और आपको थोड़ा सा टाइट पैक करना है क्योंकि वाटर भरने के बाद थोड़ा सा खिंचाव ज़रूर आएगा। यहाँ पर हम एक लेयर और लगाएंगे प्लास्टिक की, इससे हमारा ये जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बिल्कुल भी बाहर पानी नहीं निकलेगा। हमारा लोटस पॉन्ड तैयार हो गया है, अब इसको भरने का समय आ गया है। पानी भर लिया है, अब हमारे लोटस रूट स्टॉक को लगाने का समय आ गया है। अब ये मेथड आप देख लें कैसे लगाना है। अगर सेलिंग आपका मेन मोटिव है तो आपको यहाँ पर एक स्मॉल पॉट लेना है, उसमें मिट्टी भरिए और इस तरह से आप लोटस के रूट स्टॉक को दबा दीजिए और मिट्टी से कवर करके उसको आप इस बड़े से पॉन्ड के अंदर रख सकते हैं। अगर सॉइल मिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर ये नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ कर रहे हैं और इनका मेन पर्पस सेलिंग है, इसलिए इसके ऊपर फर्टिलाइज़र का यूज़ अभी नहीं किया जा रहा है। बट हम अगर घर पर ग्रो करते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस अलग है, वो वीडियो में आगे आप सीखेंगे, तो वीडियो आगे देखते रहना। अब लोटस के पॉन्ड में दोस्तों मच्छर पैदा होने की पूरी संभावना रहती है जिससे मलेरिया या फिर डेंगू की बीमारियाँ ईजिली फैल जाती है, तो यहाँ पर फ़िश अगर रहेगी तो हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर मौली और गप्पी फिश में से कोई भी फिश आप यहां पर डाल सकते हैं। अब अगर आप फिश का सिलेक्शन करते हैं तो आपको सेम ब्रीड की फिश रखनी है, मतलब मौली फिश है तो सिर्फ मौली रखेंगे और गप्पी है तो सिर्फ गप्पी रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के बच्चे खा जाएगी। हाँ, इतना बड़ा पॉन्ड है तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगी और यहाँ पर ये बच्चे भी देने वाली है, तो आप 3-4 फिश लेके आइए और 2-3 महीने में आपको नियरली 100 के आसपास फिश डेफिनेटली मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप नोट कर लें, यहाँ पर आपको फ़िश फूड नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पर एल्गी ग्रो होगी और ये फ़िश उन एल्गी को खा लेगी और सर्वाइवल रेट इनका अच्छा रहेगा, इनकी ग्रोथ भी अच्छी आएगी, इनका कलर भी अच्छा आएगा, तो फ़िश फूड नहीं डालना है। लोटस के राइजोम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थे तो एक ही वीक में हमें इनके अंदर बहुत सारी लीफ नज़र आने लगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर की लीव्स है। जब भी एरियल लीफ नज़र आती है अब प्लांट को फर्टिलाइज़र दें जिससे वो फ्लावरिंग पर आ जाए। एरियल लीफ एक इंडिकेशन है लोटस प्लांट की फ्लावरिंग का, बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है तो इनको डायरेक्ट सेल ही करना होगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं हम कैसे लगाएंगे और हम फर्टिलाइज़र कैसे देंगे। अब आप सीखेंगे लोटस को घर पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 मैच्योर राइजोम है जिसको हम ईजिली ग्रो करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम ले रहे हैं 65 लीटर का एक टब, आप 50 लीटर का कम से कम लेके चलना। तो यहाँ पर हमने 65 लीटर का टब लिया है, यहाँ पर इसके ऊपर मेंशन भी है। सॉइल मिक्स कैसे प्रिपेयर करना है वो देख लीजिए।
यहाँ पर 65 लीटर के टब में आप 2 से 3 इंचेस लेयर ऑफ वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट जो फुली डिकम्पोज होगी उसकी एक लेयर बनानी है। अब सॉइल के अंदर आप चिकनी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आपके पास जो सॉइल अवेलेबल है वो यूज़ कर लीजिए, उसकी आप 2 इंचेस की लेयर बना देना। अब यहाँ पर हमने जो कंपोस्ट मिलाई है उसके अंदर बहुत सारी गर्मी है, गैसेस है, तो यहाँ पर आप वाटर डाल के 1 दिन के लिए इसको छोड़ देना ऐसे ही। हम नेक्स्ट डे इसके अंदर राइजोम लगाएंगे। ये रहे हमारे 2 लोटस के ट्यूबर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हेल्दी है और इनके अंदर न्यू शूट भी आ रहे हैं, मतलब हमारे लोटस के ट्यूबर ग्रो होने के लिए रेडी है। बेस्ट टाइमिंग होता है लोटस के ट्यूबर को ग्रो करने का वो होता है फेब्रवरी मंथ, और आप इसको मार्च में भी ग्रो कर सकते हैं, तो आपको विद इन 2-3 मंथ में ही फ्लावर नज़र आ जाएगा। हमारा पॉट रेडी है दोस्तों, अब चलिए राइजोम लगा देते हैं। इसके अंदर सारी गैसेस और हमारे कंपोस्ट की गर्मी निकल चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं वाटर भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। अब यहाँ पर लोटस के ट्यूबर को लगाने का तरीका आप देख लें, आपको स्लाइटली एक साइड लगाना है जिससे इसकी राइजोम में ग्रोथ स्टार्ट हो और ये राउंड एंड राउंड ग्रो हो सके। 2 इंचेस का गेप करके आप उसी सॉइल को उस राइजोम के ऊपर डाल दीजिए और बस आपको वाटर डालना है और इनकी न्यू ग्रोथ का वेट करना है। अब यहाँ पर फिश डालने का समय आ गया है क्योंकि जैसे ही वाटर हम डालते हैं मॉस्किटो आएंगे, एग्स दे देंगे, तो यहाँ पर हमने मॉली फिश का सिलेक्शन करा है और इसमें से मेल और फीमेल आपको लेके आनी है जिससे एक इकोसिस्टम क्रिएट हो और बहुत सारे ये बेबीज प्रोड्यूस करें। सेवन डेज के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आई है, बट यहाँ पर हमारे पास एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो है फाउंटेन, वाटर फाउंटेन। बहुत इजीली अवेलेबल है, 1000 रुपये का आता है, 1000 रुपीज़ का है, अमेजोन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं और ये एक एड टू द ब्यूटी है आपके गार्डन के अंदर। हमारे इस वाटर फाउंटेन के अंदर बहुत सारे हेड है और ये अलग अलग तरीके से शावर दे सकता है, फाउंटेन दे सकता है। चलिए एक रिप्लेस करके बताता हूँ मैं। लोटस राइजोम की क्वालिटी अच्छी हो तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी नज़र आती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इतने बड़े लीफ नहीं आते हैं, बट यहाँ पर आप देखें हमारे हाथ की साइज़ से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इस लीफ का साइज़ हो गया है। हमारे लोटस में बहुत सारी एरियल लीफ नज़र आने लग गई है, तो समय आ गया दोस्तों इसको फर्टिलाइज़र देने का, और फर्टिलाइज़र आपको एक पॉटली फॉर्म में देना होगा। आप देख लें वो कैसे बनानी है। आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसकी पॉटली बनानी होगी। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ले लेना, आप उसके बीच में आपको फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है हमारा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, उसके बाद हम डालेंगे DAP के कुछ दाने, जितना बड़ा पॉट होगा उतने ज़्यादा दाने जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों फाइनल में हम डाल रहे हैं NPK 19-19-19। अब आप जैसा चाहें वैसा इसको टाई अप कर दीजिए, चारों नोट एक साथ बांध दीजिए या फिर 2-2 नोट एक साथ बांध के एक अच्छे से गिठान लगा दीजिए और बस इसको पॉट के अंदर सबमर्ज करना है। सीड से ग्रो करना भी बहुत आसान है, आपको फ्रेश और हेल्दी सीड्स लेने हैं और एक सैंड पेपर की मदद से आप इनको स्क्रैच करेंगे, और स्क्रैच आपको उस पॉइंट से करना है जहां पर इनका एक पॉइंट होता है, और वो आप टच करेंगे आपको पता चल जाएगा इसका पॉइंट क्या है। स्क्रैच करे हुए सीड्स को आप एक बाउल में डाल दीजिए और आप डेली बेसिस पर उनकी ग्रोथ देख सकते हैं। स्क्रैच करने से हमें 1-2 दिन में ही उसके अंदर स्प्राउटिंग नज़र आने लग जाती है, और ये रहा उसका रिज़ल्ट। हमारे चारों लोटस के सीड्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आप
हर दूसरे या तीसरे दिन वाटर चेंज कर सकते हैं। 10 से 12 दिन में ही लोटस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी। 20 से 25 दिनों में उनके अंदर काफ़ी अच्छी रूट ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी। तो अब समय आ गया है दोस्तों इनको ट्रांसप्लांट करने का। एक सॉइल मिक्स बनाइए और अपने लोटस के सीड्स को ग्रो कर दीजिए। फाइनली हमारा सीड ग्रोन लोटस भी अब यहाँ पर एरियल लीफ प्रोड्यूस करने लग गया है, तो इसको भी हम फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम जिस लोटस के अंदर फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उनके अंदर फ्लावर आएंगे, तो फ्लावर तक का अपडेट वाला वीडियो भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो देख के मज़ा आया ना, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक किए भी ना जाना मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।